मैं नित्यानंद डेफिनेशन से केतन चौहान वापी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ। तो बहुत सारे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं, आप वीडियो डाल रहे हो, न्यू वीडियो लाए हैं और कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, मेरे को टाइम नहीं है। तो वापस आज एक न्यू कंप्लेंट पे आया हूँ, ये खास ऐसी जो टेक्नीशियंस रहते हैं उनके लिए। तो ये जो कंपनियाँ रहती है बड़ी बड़ी, जो वेंडर देती है दूसरे को और फिर वो बाहर गाँव रहती है तो अपने को काम करने के लिए हायर करते हैं। इसे 8 महीने पहले मैंने एक एसी का वेंडर लिया था, तो सब बात हो गई थी, सब कर रहा था, कंप्लीट कर आए थे। तो उसने क्या है कि काम करने के बाद जो पेमेंट था 50% जो था वो रोक दिया था। तो आज 8 महीने बाद उस आदमी ने फिर फ़ोन भी नहीं उठाया। 4-5 दिन तक मैंने कॉल करे रेगुलर, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसका आज 8 महीने बाद उसका फ़ोन आया है, परसों फ़ोन आया उसका कि सॉरी सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके एक हाथ पर एक पांव दोनों टूट गए और उसको 8 महीने बाद ही होश आया। उसका कॉल आया, उसने सबसे पहले तो जो पेमेंट बाकी था उसने पेमेंट अपने मेरे अकाउंट में डाला और वापस उसी घर पे दो एसी थे वो खराब हो गए थे। तो आज मैं उस वापस दो एसी को रिपेयर करने आया हूँ, ठीक है। उसका स्पेयर भी मेरी गाड़ी के अंदर साथ में लेके आया हूँ। उसे क्या कि उसके साथ जैसा था, जैसा करना था वैसा ही हुआ। तो ऐसा आप लोग किसी के साथ मत करो। आज वापस उसके आए तो आज एसी सर्विस करते हैं, सर्विसिंग नहीं करना है कुछ, आउटडोर में इशू आ रहा है तो उसको चेक करते हैं, उसकी सर्विस करके रिपेयर करके निकलते हैं। और आज बात ऐसी हुई है कि आज का विजिट उसने एडवांस डाला है, काम करने का पैसा सब पहले एडवांस डाला, पिछला भी एडवांस डाला है उसने। तो चलते हैं, इनका काम कंप्लीट करते हैं और अपने रिश्ते रिफ्यूजन चैनल पर वापस मैं नए वीडियोज आज चलाऊँ। अपलोड करने का मेरे पास समय नहीं है तो मैं वापस आज वीडियोज अपलोड करूँगा, डालूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ग्रीट पर आया हुआ, तो सेफ्टी शूज़ जो अनिवार्य है, तो सब कंप्लीट करके चलते हैं, आते हैं अपन सर्विसन करके। तो दोस्तों ये वो ग्रीड है, ठीक है। तो चलते हैं अपन वहाँ पे एसी रिपेयर करने के लिए। तो 5 घंटे हो चुके थे, काम कंप्लीट हो गया है और ऐसे अब रवानगी ले ली।